expert brings you healthy recipes in the most delicious way. फ्रेंड्स, पंजाबी ट्यूटोरियल में लास्ट एपिसोड में हमने पनीर बटर मसाला बनाया था ब्राउन ग्रेवी में, और आज हमें रेड ग्रेवी बनानी है। और फ्रेंड्स, हमारे सारे पेस्ट जैसे कि ऑलरेडी रेडी हैं, जो कि मैं अपने सेकंड और थर्ड एपिसोड में बता चुकी हूँ। हमारा ग्रीन पेस्ट, ग्रीन चिली और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, और वाइट पेस्ट जो कि काजू और मगज से हमने बनाया था, अनियन का पेस्ट जो हमने अनियन को पूरा फ्राई करके बनाया है, और ये अपना इसका रेड जो हमने रेशम चिली का पेस्ट बनाया था, जो कि हमने ब्राउन ग्रेवी में यूज़ नहीं किया था क्योंकि उसमें हमने ब्राउन कलर रखा था, इसे हम रेड कलर देंगे ग्रेवी को, तो इसीलिए हमने इसमें हम अपना ये रेशम चिली का पेस्ट भी यूज़ करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी सेकेंड थर्ड ट्यूटोरियल में बता चुकी हूँ। और ये बाकी हमारे पेस्ट हैं, ये टोमेटो का पेस्ट, व्हाइट पेस्ट, ग्रीन पेस्ट और ब्राउन पेस्ट, अनियन का पेस्ट। इससे हम आज फटाफट अपनी रेड ग्रेवी बना लेंगे। जैसे कि आपने देखा ही था कि ब्राउन ग्रेवी हमने किस तरीके से फटाफट झटपट पेस्ट रेडी है तो बन जाती है, और इसको मैं पहले ही मेंशन कर सकती हूँ कि कर चुकी हूँ कि आप पेस्ट भी डीप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो 2 महीने तक, और आप अपनी ग्रेवी को भी डीप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो। तो बनाते हैं फ्रेंड्स रेड ग्रेवी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आगे आने वाले और काफ़ी पंजाबी ट्यूटोरियल्स अभी काफ़ी बाकी हैं, जो हमें बहुत कुछ अभी सीखना है इसमें। और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ लास्ट सेकंड और थर्ड ट्यूटोरियल पे जाके ये पेस्ट बनाना सीख लें, तो उन्हें ये समझ में आएगा अच्छे से कि रेड ग्रेवी को हमें कैसे रेडी करना है। पेस्ट रेडी करना है, देन फिर हमें रेड ग्रेवी को मिक्स करना है, तो वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पैन कढ़ाई अपनी इस पे रख ली गैस पे गर्म होने के लिए, जिसमें कि मैं रेड ग्रेवी बना रही हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो नाप आप जिस कड़छी का ले रहे हो उसी के नाप से आप इसको हम बनाते हैं। जैसे कि एक चम्मच ग्रीन पेस्ट लिया या एक चम्मच रेड, उसके ऊपर चार डाला, इसी रेशो में मैंने आपको लास्ट भी बताया था, इसी रेशो में इसमें भी हम बनाएंगे। इसमें फर्क सिर्फ रेड और ब्राउन में सारी के पेस्ट के रेशो का फर्क रहता है, और इसमें हम रेड पेस्ट यूज करते हैं, ब्राउन में रेड पेस्ट रेशम चिली का पेस्ट यूज नहीं करते, बस यही फर्क है। तो अभी मैंने 1 स्पून भर के ये वाला अपना, मैं जिस भी स्पून से आप बना रहे हो, यदि आप 1 स्पून आपने देसी घी लिया है, देसी घी में ही हम ग्रेवी बनाएंगे, तो इसमें मैं 1 स्पून ही अपना ग्रीन चिली पेस्ट डालूंगी इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपनी ग्रीन पेस्ट को पहले अच्छे से रोस्ट करेंगे, इसको घी में अच्छे से भुनेंगे ग्रीन पेस्ट को, क्योंकि ये पेस्ट हमारा थोड़ा कच्चा है, बाकी सारे पेस्ट हमारे रेडी हैं। इस तरीके से जब ये अच्छे से हमारा फ्राई हो गया है, इसने घी छोड़ दिया है, अब इसमें मैं 1 स्पून अपना ग्रीन डाला था, 1 ही हम इसमें ऑनियन पेस्ट डालेंगे। इस तरीके से अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो पेस्ट, ये वाली, यही अपनी स्पून के नाप से हम सारे पेस्ट डालेंगे। इसमें 8 स्पून, एक हमने ग्रीन डाला है, एक ब्राउन, और 8 चम्मच ये वाला डालेंगे रेड पेस्ट। ये देखिए, ये हो गया हमारा रेड पेस्ट, इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे ये अपना रेशम चिली वाला पेस्ट, इससे इसमें कलर आएगा। ये हमें डालना है 4 स्पून, 1, 2, 3 एंड 4। फ्रेंड्स, इससे हमारे पेस्ट में अच्छे से कलर आ जाता है रेड ग्रेवी में, हमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या हम प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते हैं ग्रेवी में, विदाउट प्रिजर्वेटिव हमारी डीप फ्रीजर में रहती है, और कलर भी हमने कोई नहीं डाला है आर्टिफिशियल। बस अब हमें इसमें व्हाइट पेस्ट और डालना है 8 स्पून और, 8 चम्मच, 1। ये देखिए, इसमें हमने अपने काजू का पेस्ट भी मिला दिया है, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
देखिए कितना अच्छा कलर आया है ग्रेवी में, एकदम मार्केट जैसा, रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी एकदम रेडी है हमारी। ये देखिए अब हम इसमें डालना है सिर्फ थोड़ा सा 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अभी हम क्योंकि ग्रेवी रेडी कर रहे हैं तो हम इसमें हल्का ही नमक डालेंगे। आप इसे डायरेक्ट सब्जी बना रहे हो तो पूरा सब्जी जितना आप अपने टेस्ट अनुसार सॉल्ट डाल सकते हो। और हमारे दो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इस ग्रेवी के, हमारा होममेड गरम मसाला और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत ही अच्छी फ्लेवर होता है, लगता है ग्रेवी में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ये देखिए एकदम फ्रेंड्स बिल्कुल बढ़िया बाजार रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी हो गई हमारी झटपट तैयार। अब इससे हम आगे कोई भी अपना डिश फटाफट बना सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, देखा आपने कितनी जल्दी फटाफट हमारी ग्रेवी तैयार हो गई, एकदम रेड कलर आया है ग्रेवी पे, रेड ग्रेवी हमारी रेडी है। अभी आप इसमें मिक्स वेज बना सकते हो, वेज कोल्हापुरी, आप कोफ्ता इसमें बना सकते हो, और भी ये मशरूम दो प्याजा बना सकते हो, और जितने भी आपके मेन्यू में आप सब्जियां देखो बहुत सारी इसमें आप अपनी बना सकते हो रेड ग्रेवी में। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और एकदम हेल्दी यमी देसी घी की घर की बनी हुई हमारी बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनी रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में जो लोग भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे बताइए कि आप लोग को ये ग्रेवी की रेसिपी कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोग को ये अच्छी लग रही है या नहीं, ये मतलब आप लोगों ट्राई किया या नहीं। आप ट्राई करो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करो कि आपको कैसा लगा, आपका ग्रेवी कैसा बन रहा है, और आप नेक्स्ट एपिसोड में पंजाबी में और क्या क्या सीखना चाहते हो, या ग्रेवी से और कौन कौन सी आप रेसिपी सीखना चाहते हो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, हम बनाएंगे व्हाइट ग्रेवी। तो फ्रेंड्स बाय बाय, सी यू एंड लव यू ऑल।